मेरी स्मृति। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ए खुदा ए खुदा जब बना उसका ही बना, ए खुदा जब बना उसका। सुनिए जी, जयदेव वर्मा। माफ कीजिए मैडम, जयदेव वर्मा अभी अभी चले गए यहाँ से, बस चंद पलों की देरी हो गई आपके आने में। चले गए? सोचा था कि उनकी कविता उनके लबों से सुनूंगी, लगता है कुछ और दिन उनके शब्दों के सहारे गुजारने पड़ेंगे। थैंक यू। उसका हूँ उसमें हूँ उसे हूँ उसी का, रहने दे मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। मेरे लिए चिट्ठी। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम। जयदेव वर्मा। जयदेव वर्मा की चिट्ठी आई है। ओह माय गॉड, जयदेव वर्मा की चिट्ठी आई है। जयदेव वर्मा ने मुझे कब लिखा? दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। साहिब, आप जयदेव वर्मा है ना? हाँ मैं ही हूँ जयदेव वर्मा, लेकिन आप? एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? 4 दिन पहले एक दुर्घटना हो गई। स्मृति मेम साहब सीढ़ियों से गिर गई। स्मृति मेम साहब मर गई साहेब। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी पर ये मुझसे वादा कर। उसके इश्कों पे गमों पे दुखों पे हर उसके जख्म। उस वक्त जब मैंने सुना तो मैंने सच में मान लिया कि तुम अब ईश्वर पर मेरा यकीन और बढ़ गया है। अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार मरने नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है स्मृति। बेटा, अल्लाह ना करे अगर इस सफर से कुछ ना हासिल हुआ तो, और उस पते पर कोई ना मिला तो, बेटा 2 साल भी तो हो चुके हैं। जानता हूँ खाला, लेकिन यही एक रास्ता है ये जानने के लिए कि आखिर स्मृति के साथ हुआ क्या था, क्यों उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ा और अपने खुद की मौत की खबर मुझ तक पहुंचानी पड़ी। इस झूठ का सच जानना बहुत जरूरी है। दो साल पहले स्मृति आपके घर में रहती थी ना?